साल रहेगा? हाँ, असल में इंटरेस्टिंग, आप बेहद इंटरेस्टिंग था, आपको याद होगा साल 2018 एक टॉपसी टर्वी राइड जो आपके अंदर बाहरी उठा पटक देखने को मिली, 11760 के हाई, 9950 के लोज, यानी कि 1800 पॉइंट का स्विंग हमने आता हुआ देखा, और ईयर ऑन ईयर लेकिन मेयर 3-3.5% के आसपास की रिटर्न्स के साथ आज हम इस साल की समाप्ति करने जा रहे हैं। तो ऐसे में सबके जहन में ये सवाल है 2019 या आने वाला साल बाजारों के लिहाज से कैसा रहेगा। तो पहला सवाल हमने यही पूछा, तमाम बाजार के जाने माने एक्सपर्ट जो आप देखते हैं स्क्रीन्स पर, स्क्रीन्स पे नहीं आते, उनसे पूछा कि किस तरह के रिटर्न्स वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल 2019 में। तो अच्छी बात, सबसे पहले तो ये समझिए कि 91% यानी कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये मानती है कि ये साल पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने वाले हैं। अब उसमें अप टू 10% मानने वाले 55% है, यानी कि शायद सिंगल डिजिट में ही इस साल रिटर्न्स देखने को मिले, पर एक तिहाई ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि शायद 2019 में आपको इवेंचुअली 10% से ज्यादा के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, तो बाजार शायद अच्छा रहेगा साल 2019। तो ऐसे में कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे, कौन से सेक्टर्स थकते हुए नजर आएंगे, तो जो आउट परफॉर्मर्स होंगे यानी कि वो सेक्टर्स जो बेहतर रिटर्न्स देने का दमखम रखते हैं, उसमें फार्मा, FMCG, बैंक्स और NBFCs, यानी कि फाइनेंशियल्स और पॉकेट हो सकती है जो वापस अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। अंडर परफॉर्मेंस, थकावट शायद IT में देखने को मिले। अब ध्यान रखिए जो साल था 2018, इसमें IT और FMCG दो पॉकेट्स ही जिन्होंने आउट परफॉर्म करा था, तो FMCG का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा, IT शायद थके, IT थकने की बड़ी वजह हो सकती है रुपया। तो हमारा अगला सवाल यही था कि रुपया किन लेवल्स पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस नए साल 2019 में। तो जहां पर है 65 से 70 का जोन, आज सब 70 पे रुपया कामकाज कर रहा है, 64% पोल पार्टिसिपेंट्स, दो तिहाई मानते हैं 65 से 70 की रेंज होगी, और 75 के ऊपर एक स्केयर बन गया था, आपको याद होगा जो रुपया डिप्रिशिएट हो रहा था, तो अब कोई नहीं मानता रुपया उन स्तरों पे जाने वाला है, तो अब घबराने वाली बात नहीं है, और शायद यही रीजन है कि रुपया जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है आईटी में अंडर परफॉर्मेंस शायद आए। अच्छा, इस साल आईटी जो रुपए में दबाव आया था उसकी बड़ी वजह थी कच्चा तेल, अचानक $84 तक हमने देखा था ब्रेंट क्रूड जाता हुआ, तो हमने सोचा 2019 के लिए उनसे पूछें कि ब्रेंट के किन लेवल्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 50 से 60 ये ब्रेंट के लेवल्स हैं जो एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं, हमारे बाजार के लिए रीजनेबल लेवल्स हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, 50 से 60 के बीच में ब्रेंट क्रूड रह सकता है साल 2019 में। अच्छा, ये जनवरी आएगा, उसके बाद फरवरी आते से ही RBI की एक और बाई मंथली क्रेडिट पॉलिसी हमारे सामने खड़ी होगी, तो हमने पूछने की कोशिश करी क्या उसमें कोई सरप्राइज आने वाला है, क्या दरों में कटौती एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग, तो 3/4 ऑलमोस्ट 75% मानते हैं हाँ इस बार दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको याद होगा पिछली कुछ पॉलिसीज के बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि एक लंबा पॉज हो सकता है, ऐसा नहीं होगा शायद दरों में कटौती, तो होनी अगर दरों में कटौती, जो लोग हां कह रहे हैं उनसे हमने पूछा अगला सवाल कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग, तो 89% मानते हैं 25 basis points, 1/4 दरों में कटौती शायद एक्सपेक्टेड है फरवरी के महीने में। फिर एक और इंपॉर्टेंट सवाल था, इस 2019 में सबसे बड़ा इवेंट क्या है, मई में जो जनरल इलेक्शंस आने हैं, तो हमने सब मार्केट पार्टिसिपेंट से पूछने की कोशिश करी, आपके स्क्रीन पे विकल्प आ रहे होंगे, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटकम, BJP फुल मेजोरिटी, कोलिशन कांग्रेस, कांग्रेस कोलिशन, ये तमाम विकल्प थे। आपको याद होगा 2014 में लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, हिस्टोरिक विन थी, तो ये तो पता था सबको वहां से ठंडा पड़ेंगे, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स मानते हैं 100% ये मानते हैं कि बीजेपी ही की सरकार आएगी, चाहे प्योरली अपने दम पर या कोलिशन के जरिए, लेकिन बीजेपी ही सरकार बनाती हुई नजर आएगी। ये तो बहुत मार्केट और पॉलिटिक्स की बात करी, जाते जाते एक और सवाल, क्योंकि मई में ये मैच होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, साथ साथ ध्यान रखें वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा, 30 मई से शायद वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो हमने उनसे पूछा कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड कप जीतेगी। अब इसमें बायस्ड होगा क्योंकि जो पोल पार्टिसिपेंट थे सबके सब इंडियंस थे, उसके बावजूद भी ध्यान रखें 25% ही नहीं मानते इंडिया जीतेगा, लेकिन 75% मान के चल रहे हैं कि भारत जीतेगा इस बार वर्ल्ड कप। चलिए, तो मई में बीजेपी की सरकार आएगी, चाहे कैसे भी आए, मिलीजुली या फिर अकेले, अकेले हाँ। और आशीष आएंगे अब लौट के।